रुक करेंगे अगली खबर की ओर, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती ने भाजपा और कांग्रेस पर एक बार फिर हमला बोला है। जहां मायावती ने कहा कि दोनों दलों में होड़ चल रही है कि कौन बड़ा हिंदूवादी है। मायावती के इस बयान पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी ने पलटवार किया है। ब्रजलाल खाबरी ने कहा कि मायावती और बसपा दोनों बीजेपी के लिए काम कर रही हैं। मायावती ने 3 बार बीजेपी के साथ गठबंधन करके सरकार बनाई है, लेकिन अब उत्तर प्रदेश में मायावती का कोई जनाधार नहीं बचा है। उत्तर प्रदेश की जनता जान चुकी है कि मायावती बीजेपी के इशारों पर काम करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश की सभी 80 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। वहीं बीजेपी प्रवक्ता केसी जैन ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास मॉडल लेकर आई है और सबका साथ सबका विकास कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का जनाधार पूरे देश में बढ़ रहा है, इसीलिए विपक्ष बौखलाया हुआ है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ब्रजलाल खाबरी जी मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं। आज मायावती ने एक बयान दिया है सर कि कांग्रेस और बीजेपी हिंदुत्ववादी दिखाने की होड़ में रहते हैं। ये हिंदुत्ववादी दिखाने की होड़ में रहते हैं? अच्छा, तो ये दूसरे को बड़ा हिंदुत्ववादी नेता दिखाने की होड़। अच्छा, और ये 3 बार उन्हीं से सरकार मिलकर के बनाई, तो ये कौन वादी होंगे बताए ना हमको। 3-3 बार जो सरकार बनाई है उन्हीं के साथ गठजोड़ से, तो ये कौन सी वादी थी इसका जवाब दें हमें। उनका कहना है कि देश में और भी धर्म है, वो बीएसपी जो है सभी धर्मों का सम्मान करती है। ये धर्म की बात कहाँ से आ गई? सभी लोग सबके धर्मों के सम्मान करते हैं, ये बात कहाँ से खड़ी हो गई कि वो अकेले सम्मान करती हैं बाकी के लोग सब अपमान करते हैं? धर्म सबके हैं और सब सबके धर्मों का सम्मान करते हैं, हम भी करते हैं सबका सम्मान। और ये भी कहा है कि कांग्रेस के जहां राज्य हैं वहां पर दलितों का शोषण ज़्यादा हो रहा है, वहां पे एनसीआरबी की जो रिपोर्ट आ रही है मतलब दलितों का वहां पे शोषण ज़्यादा हो रहा है। तो भाजपा ही शासित राज्यों की सर्वे रिपोर्ट नहीं मंगाई क्या? अगर कांग्रेस राज्य कांग्रेस के जो सरकारें हैं जिन राज्यों में उनकी रिपोर्ट मंगा के देखी है कि भाजपाई वालों की भी देखी है? अगर भाजपा वालों की नहीं देखी तो पहले उनको मंगा लें, इसके बाद फिर क्लियर करें कौन ज़्यादा कौन कम, किन किन राज्यों में भाजपा की सरकार है वहाँ क्या रिकॉर्ड है, किन किन राज्यों में कांग्रेस की सरकार है वहाँ क्या रिकॉर्ड है अन्याय अत्याचार और अपराध का, फिर उनको इसकी समीक्षा करके बताना चाहिए, आंकड़े के सहित करना चाहिए। अब वो कांग्रेस अकेले ही उनको दिखाई दे रहा है कि कांग्रेस शासित राज्यों में ही दलितों का उत्पीड़न है, तो भाई उनका नज़रिया हो सकता है। लेकिन मेरा कहना यह है कि जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं जिन जिन राज्यों में सरकारें हैं उनमें सबसे ज़्यादा अन्याय अत्याचार हमारा दलित गरीब और मजबूर आदमी झेल रहा है, उनके साथ बहुत अन्याय हो रहा है। ऐसा नहीं है यहाँ जाति फैक्टर नहीं है, यहाँ फैक्टर है केवल और केवल उन लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है जो उनके तरफ कभी देखते नहीं, उनके वोटर नहीं बन पाए हैं। मैं किसी भी जाति का नाम नहीं लेना चाहता हूं, तो उनके वोट भी काटे जा रहे हैं, उन्हें हर तरीके से उत्पीड़ित भी किया जा रहा है, वो इनको दिखाई नहीं दे रहा है। केवल कांग्रेस ही दिखाई देती है, कांग्रेस इसलिए दिखाई देती है कि उनका जो रिश्ता है वो इंटरनल भारतीय जनता पार्टी से। भारतीय जनता पार्टी पर भी उन्होंने सवाल किया है कि जो उत्तराखंड में मजारों को लेकर जो चेकिंग चल रही थी उसको लेकर भी कहा। कहने कहने का फर्क है, जिस आक्रामकता के साथ वो कांग्रेस का खिलाफत करती हैं उस आक्रामकता के साथ भाजपा का कभी विरोध नहीं करती हैं। एक सीट है लेकिन 2024 के चुनाव में ऐसी सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रही मायावती जी। हम तो कह रहे हैं वो उनका विषय है, कितने पे लड़ना है कितने पे नहीं लड़ना वो तो उनका विषय है, इस पर मुझे क्या कहना है। मैं इतना ही कह सकता हूँ कि कांग्रेस सभी सीटों पर चुनाव लड़ेगी और दमदारी के साथ लड़ेगी। क्या लग रहा है मायावती के जो बयान आ रहे हैं उसको भाजपा के तरीके से देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी? नहीं नहीं, उनका जो बयान आता है वो कहीं ना कहीं बयान भी ये बात को कह देता है कि हम किसके पक्ष में और किसके खिलाफ है, मुझे उस पर क्या कहना है।
तो आप साफ तौर पर बताया कि ब्रजलाल खाबरी जी प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी की, जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जिस तरीके से जो बसपा सुप्रीमो मायावती का जो बयान आया है तो कहीं ना कहीं वो साफ तौर पर दिखाता है कि वो भाजपा के लिए भाजपा की एक बनी बनाई स्क्रिप्ट है जो उन्होंने अपने मुंह से बोला है। कैमरा पर्सन साकेत के साथ मैं अविनाश, एमके न्यूज, लखनऊ। इसी साथ जिस प्रकार से सारी विपक्षी पार्टियां एक भी होना चाहती हैं, लेकिन कोई भी पार्टी दूसरी पार्टी के नेतृत्व में चुनाव नहीं लड़ना चाहती है। प्रधानमंत्री का पद तो एक ही है, लेकिन अगर सारी पार्टियां एक हो जाएंगी तो चाहे मायावती जी हों, चाहे अखिलेश जी हों, चाहे ममता बनर्जी हों, चाहे बिहार के लालू जी के बेटे हों, तो सब की सब, चाहे नीतीश जी हों, हर कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है। तो ऐसे में गठबंधन के जो कयास लगाए जा रहे हैं, गठबंधन के पहले ही सिर्फ और साफ दिखाई दे रही है, तो अपनी अपनी रानी चमकाने के लिए इस तरीके के बयान आ रहे हैं, इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं।